व्हाट्सअप गाइस, आप सब कैसे हो? तो बहुत प्रसिद्ध एपिसोड 79 की स्टार्टिंग में दिखाया गया होता है मिस्टर जावल तिहार। तो आपका कहने वाला कि मैं छोटी से छोटी बात भूल सकती हूँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं छोटी से छोटी बात मतलब भूल सकती हूँ अपने मेमोरी लॉस से? तो मिस्टर कुंग बोलता है, तो तुम मुझे ये बताओ उस घंटे के दौरान तुम क्या कर रहे थे? मिस्टर कुंग जावल तिहार, मैं बाथरूम के अंदर बैठी थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ऊपर से मेरे को चक्कर भी आ रहा था तो मैं थोड़ा झपटी ले ली वापस, हो गई। मिस्टर कुंग बोलता है, तुम मुझे चूतिया बना रहे हो। मिस्टर जावल बोलती शॉक हो जाती है। मिस्टर जावल बोलती हाँ, मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, और मैंने कभी सुना भी नहीं कि एक घंटे के दौरान मतलब किसी मेमोरी लॉस हो सकता है। तो मिस्टर कुंग बोलता हाँ, आपने इसका बारे में नहीं सुना तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि मतलब ये कभी नहीं होती ये सब चीज़। मिस्टर नेजा बोलते हाँ, तो रुको, आपको लगता है कि मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है, मैं अपनी पूरी याददाश्त खो चुकी हूँ, तो इसका मतलब है कि आप मुझ पर विश्वास करते हो। मिस्टर नेजा बोलते हाँ, तो मतलब सुनो कि मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है तो आपको मतलब विश्वास करना चाहिए कि मेरे पास कोई भी बच्चा नहीं था। मिस्टर कुंग बोलता हाँ, बहुत ज़्यादा चलाक बन रहे अभी यहाँ पर, और वैसे भी इसका मैं पैलोग्राफी चेक करा था यहाँ पर तो कोई भी नतीजा नहीं मिला था, और मुझे इसको मतलब छोड़ देना चाहिए था उसी वक्त, नहीं मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन इसके पास मेरा बच्चा है और मेरे को बच्चा चाहिए, इसीलिए मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मिस्टर साहब बोलते हाँ, आप मानते हो कि मेरे पास कोई भी बच्चा नहीं है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा यहाँ पर कुछ काम का नहीं है, इनवैलिड है। मिस्टर कुंग सब सुनने वाले शौक हो जाता, मतलब ये है कि मतलब मैं जा सकती हूँ, तो आप क्या बोलते हो, तुम आपसे मैं छुटकारा पा सकती हूँ, मतलब ऐसा है? तो मिस्टर कुंग और ज्यादा वो गुस्सा हो जाता है। मिस्टर साहब बोलते हाँ, तो बोलो आप, तो क्या मतलब मैं जा सकती हूँ, क्या आप मुझे इतना घूर के क्यों देख रहे हो? मिस्टर कुंग बोलते हाँ, तो तुम मुझे ये बताओ जरा। तो मिस्टर निजा बोलते क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है क्या, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सब मतलब बेकार यहाँ पर कुछ काम के नहीं है? तो मिस्टर कुंग उसके पास आ जाता है, बोलता आप इतना पीछे क्यों हट रहे हो, थोड़ा सामने तो आओ, और उसको कब्जे में लेना स्टार्ट कर देता है। बोलता आप क्या मैं इतना बहुत ज्यादा डरावना दिखता हूँ क्या? तो मिस्टर कुंग बोलता है कि सुनो मिस्टर निजा, मतलब तुम साबित करने के लिए बहुत ज्यादा पॉसिबल कोशिश कर चुके हो कि मतलब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, आपने मतलब मेरे बच्चे को लिया है तो आप मेरे को चाहिए यहाँ पर, और मेरी एक पेशेंट सीमा है समझिए क्या, उसको तुम बहुत ज्यादा पार कर रहे हो, तो मैंने सोचा था कि मतलब मैं तुम्हें थोड़ा दीवार पे लड़ा दूंगा ना तो तुम चुपचाप रहोगे, और मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, और तुम सब सोच रहे हो कि मतलब मेरे से छुटकारा कैसे पाया जाए, कि तुम मतलब सोच लो यहाँ पर तुम मेरे कमरे में से कभी यहाँ से नहीं निकल पाओगे, समझे? तो मिस्टर साहब बोलते हाँ, तो आपका कहने का मतलब क्या है? मिस्टर को बोलता मिस्टर सी, मैंने आपको एक चीज बोला था, आपने उसको सुना नहीं था क्या? मिस्टर ने साहब बोलते हाँ, आपने क्या बोला था? तो मिस्टर कुंग बोलता हाँ, तो मैं एक पैरानॉइड पेशेंट हूँ यहाँ पर, और जो मैं एक बार सोच लेता उसको मतलब कोई भी हल नहीं कर सकता है, और मेरा इंस्टीट्यूशन बोलता है कि मतलब तुम्हें बच्चा चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब तुम्हारे पास तो बच्चा नहीं था, नहीं आगे जाके तुम्हारे पास बच्चा हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, उसको कार के अंदर लेके आ गया होता है। और मिस्टर कौशन बोलते कि हाँ मिस्टर, मतलब सी जो है मतलब बिल्कुल ठीक है, उसको मतलब थोड़ा जरूरत है रेस्ट की यहाँ पर, और उसको मतलब कार के अंदर बैठा देते हैं, और मिस्टर कौन बोलता है ठीक है, और कार के अंदर उसको लेके जा रहे होते हैं। मिस्टर साहब बोलते कि हाँ, उबरी कुंग मैं जितने ज़्यादा सोचती थी उतने ज़्यादा चलाक नहीं, नहीं हद से ज़्यादा चलाक है, मतलब आगे का सोचता है, और मेरे को आगे के बच्चे भी देने वाले यहाँ पर, और इतना बड़ा पैरानॉइड मतलब पागल है कि मतलब बहुत ज़्यादा डरावना भी दिखता है, मेरे से क्या 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 करेगा कुछ पता नहीं है। और मिस्टर कौशन देखते हैं कि मतलब मिस्टर सी मतलब उसके पैर के ऊपर सोई है, तो उसको बोलते कि आपके पैर के ऊपर सूजन भी आ सकता है मिस्टर कुंग, तो मतलब मिस्टर सी को सीट के ऊपर मतलब रख दो। तो मिस्टर साहब भी बोलते हैं हाँ, मुझे मतलब सीट के ऊपर रख दो, और उसको मतलब वैसे मन में बोलती है, और मिस्टर कुंग बोलते हैं तो हाँ, तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लोगे कि मतलब टकरा बिकरा जाएगी, यहाँ से वहाँ गिर जाएगी, तो जिम्मेदारी लोगे तो बोलो मैं उसको नीचे रख देता हूँ। और मिस्टर कौशन वहाँ पे हंसने लग जाता है और बोलते हैं मतलब आप असलियत में मतलब मिस्टर सी की बहुत ज़्यादा परवाह करते हो, मुझे विश्वास है कि मतलब वो एक दिन उसको महसूस करेगी।